क्या आपको पता है कि ऐश के पास पीसी है? और दोस्तों शायद से आप लोगों को नहीं पता होगा, तो फिर दोस्तों इस वीडियो में सब कुछ क्लियर होने वाला है, इसलिए हमारी वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। दोस्तों हमारे सिर्फ दोस्तों आज की है 16th दोस्तों जून, और दोस्तों हमारा दोस्तों सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों अभी दोस्तों एक महीना हो चुका है, यानी 1 month हो चुका है हमारे चैनल को खुले हुए। दोस्तों सिर्फ एक मंथ में 101 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, यानी 100 से दोस्तों ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं सिर्फ 1 month में। दोस्तों ये तो एकदम मैजिक हो गया। दोस्तों मुझे लगता है कि हमारे सिर्फ 3-4 महीने में दोस्तों हमारे 1 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, इसलिए दोस्तों जितना जल्दी हो सके हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और दोस्तों आज का टॉपिक भी काफ़ी अच्छा होने वाला है दोस्तों, इसलिए हमारे वीडियो के साथ बने रहे। और दोस्तों एक गिव वे होने वाला है दोस्तों हमारे चैनल में, जिसका नाम है दोस्तों ट्राईपॉड गिव वे। दोस्तों आप सभी में से दोस्तों एक स्पेशल व्यक्ति को दोस्तों हम लोग एक ट्राईपॉड गिव वे में देने वाले हैं। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है। दोस्तों वो हम बताएंगे वीडियो के बीच में, इसलिए दोस्तों पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों कैसे पार्टिसिपेट करना है वो हम सब आपको बताएंगे, लेकिन अभी नहीं दोस्तों वीडियो के बीच में बताएंगे। दोस्तों पूरी वीडियो को एंजॉय करना। तो दोस्तों चलो एक छोटा सा इंट्रो लगाते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि ये टॉपिक बना कैसे। तो दोस्तों ये टॉपिक सिंपल ही है दोस्तों, क्योंकि हमें काफ़ी बार दोस्तों पोकेमोन के जितने भी दोस्तों गेम्स आए हैं ना, उनमें हर गेम में दोस्तों हमें उसका पहले होम दिखाया रहता है अपने कैरेक्टर का। और दोस्तों उस होम में हमें एक ना एक टीवी और एक दोस्तों पीसी या कंप्यूटर दिखाई रहता है। और दोस्तों अगर हम बात करें रियल की ये दोस्तों पोकेमोन एनिमे की, तो दोस्तों उसमें हमें सिर्फ दोस्तों फर्स्ट एपिसोड आया था दोस्तों, उसमें हमने देखा कि ऐश के घर में सिर्फ दोस्तों एक टीवी था, यानी कि दोस्तों उसके दोस्तों जो कमरा था दोस्तों ऐश का पर्सनल, उस कमरे में दोस्तों सिर्फ एक टीवी था। दोस्तों आप देख सकते हैं इमेज में, दोस्तों मैंने पूरा अच्छे से इमेज को पूरा क्लियर कर दिया हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऐश के घर में कोई भी पीसी नहीं है। तो दोस्तों ये कैसे नहीं है दोस्तों? अब आपको लग रहा होगा कि दोस्तों जब भी कोई ऐश का प्लेयर दोस्तों कैरेक्टर आता है तो दोस्तों उसके घर में भी तो पीसी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सिंपल भाषा में बोलूँ तो दोस्तों गेम में पीसी होता है, लेकिन दोस्तों वो क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जब भी हम किसी कैरेक्टर यानी कि दोस्तों कोई भी गेम प्ले करते हैं, तो फिर दोस्तों आपको नोटिस किया होगा जब भी आप कोई पोकेमोन का गेम खेलते होंगे, जैसे कि मानो पोकेमोन ऐच क्रिए दोस्तों, उसमें आप जाते होंगे तो दोस्तों फर्स्ट उसका होम दिखाता है अपने कैरेक्टर का, जिसका दोस्तों कैरेक्टर नेम रहता है दोस्तों ऐश। और दोस्तों उसमें आपको दिखाया जाता है कि दोस्तों उसमें वहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि दोस्तों वहाँ पे एक पीसी है। और दोस्तों वहाँ से आप लोग पोशन की दोस्तों ले लेते हैं, एक या दो रहता है दोस्तों। और दोस्तों वो पीसी क्या दोस्तों उसी के लिए होता है? दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि दोस्तों पोकेमोन गेम में सिर्फ इसी काम के लिए दोस्तों शायद पीसी को अपनाया जाता होगा, लेकिन दोस्तों रियल लाइफ में देखें तो दोस्तों, और दोस्तों हम ऐश की बात नहीं कर रहे दोस्तों, जितने भी जैसे कि दोस्तों आप समझ लो दोस्तों होयन रीजन में जब आप मेक का होम देखते हो तो दोस्तों उसमें भी हमें कोई पीसी दिखाई देखने को नहीं दिखता है। और दोस्तों अगर हम बात करें सिनो रीजन में, तो दोस्तों सिनो रीजन में डॉन के होम में भी दोस्तों वहाँ पर भी हमें कोई भी पीसी नहीं देखने को मिला है। तो दोस्तों सिंपली बात करें तो दोस्तों पोकेमोन एनिमे में कभी पीसी नहीं दिखाया गया है। अगर दोस्तों दिखाया गया रहता तो दोस्तों हम इस वीडियो में उसे क्लियर कर देते। और दोस्तों पोकेमोन गेम में हमें पीसी दिखाया जाता है ताकि दोस्तों हम लोग वहाँ से जो दोस्तों आप लोग जो चीट करते हैं ना दोस्तों वो वहाँ से ले सकते हैं, और दोस्तों जो भी हमें फ्री आइटम्स मिलता है वो हम वहाँ से लेते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और दोस्तों अब बात करते हैं आपके फ़ायदे की बात। दोस्तों आपके फ़ायदे की बात पे आज कटो आज आपको मिलने वाला है गिव वे। दोस्तों आज के इस गिव वे में दोस्तों मैं इस ये गिव वे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल के 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। फिर दोस्तों इसलिए दोस्तों
अब मैं आपको एक गिफ्ट भी देने वाला हूँ। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था इंस्टाग्राम में पोस्ट में, दोस्तों आप चाहे तो हमारे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों आपको जैसे कि दोस्तों इस ट्राईपॉड के बारे में मैंने आपको पहले से बता दिया था, दोस्तों आज हम बताएंगे कि दोस्तों गिव्वे में कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है। दोस्तों ये ट्राईपॉड होने वाला है, दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, हमारी वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। दोस्तों जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे ना उतना ज़्यादा इस पर आपको प्रॉफिट होने वाला है। दोस्तों हम वहाँ से दोस्तों क्रोम में जाके वहाँ पर हम चेक करते हैं कि दोस्तों कितने लोगों ने शेयर किया और कितने लोगों को दोस्तों आपके व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम में आप शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद फिर आपको एक कमेंट करना होगा, और दोस्तों कमेंट करने से भी ज़रूरी है दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और दोस्तों कमेंट में आपको एक अच्छा सा अच्छा कमेंट लिखना है दोस्तों, एकदम ही रैंडम कमेंट लिखना है, जिसका दोस्तों रैंडम कमेंट आएगा दोस्तों वो चुना जाएगा। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि गिववे का रिज़ल्ट कब होगा। दोस्तों गिववे का रिज़ल्ट काफ़ी जल्द होने वाला है, जैसे ही दोस्तों हमारे चैनल के हो जाते हैं 150 सब्सक्राइबर्स। दोस्तों 150 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी होने वाले हैं, अभी दोस्तों 11 सब्सक्राइबर यानी कि 111 सब्सक्राइबर्स है, और दोस्तों यानी कि 10 डेज के बाद दोस्तों इस गिववे का रिज़ल्ट होने वाला है। दोस्तों जल्दी से जल्दी जाकर गिववे में पार्टिसिपेट कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और उसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।